संक्रांति जो आई हुई है यहाँ पर सूर्यदेव जो है अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजमान है और शनिदेव जो है वो अपनी स्वराशि में विराजमान है और ये दोनों ग्रह आमने सामने हैं। कुंभ राशि में शनि है और सिंह राशि में जो है वो सूर्यदेव है। अब दोनों ग्रह आमने सामने एक्सेप्ट पर बैठे हुए हैं, दोनों सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर ये गोचरी स्थितियाँ थोड़ी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्यदेव का सिंह राशि में गोचर 12 राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। गोचर फलादेश शुरू करने से पहले गोचर के ट्रांजिट की डेट और टाइम यहाँ पर आप सभी से शेयर कर देते हैं। 16 अगस्त 2024 को सूर्यदेव जो है वो कर्क राशि को छोड़कर सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे जो कि उनकी स्वराशि है। सूर्यदेव कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में शाम 7:30 बजे प्रवेश करेंगे। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्यदेव जो है वो इस सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। ये आपके लिए 12 राशि वाले जातकों के लिए क्या एडवांटेज लाने वाले और क्या डिसएडवांटेज, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सूर्यदेव से रिलेटेड कुछ साधारण सी बातें आपसे शेयर कर देता हूँ। सूर्यदेव की स्वराशि सिंह राशि है, सूर्य की उच्च राशि मेष और इनकी नीच राशि तुला राशि होती है। सूर्य कुंडली में आपके मान सम्मान के कारक होते हैं, राजनीति के कारक सूर्यदेव होते हैं। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह जो भी चीज़ें होती है, सरकार से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, उन सभी का प्रतिनिधित्व सूर्य देवी करने वाले होते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में अगर सूर्य बलि होता है तो उसे सरकारी क्षेत्र से काफी अपार धन सुख समृद्धि प्राप्त होने वाली होती है। सूर्य जिस किसी भी घर में होते हैं वहां से जस्ट सामने वाले घर को प्रभावित करने वाले होते हैं और सूर्यदेव एक राशि में एक महीने तक रहते हैं, इसके पश्चात राशि परिवर्तित कर जाते हैं। इस बार सूर्य की सिंह संक्रांति आई हुई है और सिंह संक्रांति आपके लिए क्या एडवांटेज लाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इन वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है या आपका व्यापार कब चलेगा, आपकी नौकरी कब लगेगी, कब आपको पदोन्नति प्राप्त होगी, कब आपको व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी, या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका शादी कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, संतान प्राप्तियाँ कब होगी, या आप ये जानना चाहते हैं मकान सुख कब मिलेगा, वाहन का सुख कब मिलेगा, या आप ये जानना चाहते हैं कि कर्ज मुक्ति कब होगी, रोग की मुक्ति कब होगी, इस तरीके के आपके जीवन में बहुत सारे सवाल है, ग्रह क्लेश से रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, आप बहुत परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली से रिलेटेड ऐसा एनालिसिस हो जिससे आप इन सभी का समाधान प्राप्त कर जाए, तो यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। यहाँ पर एक बार पुनः निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करेंगे मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा सूर्यदेव का सिंह राशि में गोचर फल। मेष राशि वालों, आपकी राशि से देखा जाए तो सूर्यदेव पंचम स्थान में गोचर करेंगे, स्वराशि के सूर्यदेव हैं और पांचवें स्थान का सूर्य का गोचर आपके लिए आईक्यू आपकी बढ़ाने वाली रहेगा, बुद्धिमत्ता वाला कार्य आप इस महीने करने वाले हैं। ये सूर्य संक्रांति सिंह राशि की जो संक्रांति आई हुई है यह आपके जीवन में बहुत जबरदस्त फायदे लेकर आपको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी, आय अच्छी सी रहेगी, लाभ प्रॉफिट आप अच्छे तरीके से कमाएंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति इस महीने आपको होती हुई नजर आएगी। सूर्य का यहाँ पर विराजमान होना आपके लिए काफी अच्छे शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सूर्यदेव यहाँ पर पंचम स्थान में सूर्यदेव संतान से रिलेटेड भी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं, विद्यार्थी भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और साथ ही लव लाइफ से रिलेटेड कहना चाहूंगा थोड़ा सा समय आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि सूर्य एग्रेसिव प्लेनेट है तो यहाँ पर आपके प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं छोटी मोटी खटपट आपको देखने को मिल सकती है। बात करेंगे वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि वालों आपके लिए सूर्यदेव चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे, आपकी राशि से चौथे स्थान का सूर्य का गोचर है। सूर्य जब चौथे स्थान में गोचर कर रहे हैं सुख भाव का स्वामी सुख भाव में विराजमान है तो सुख समृद्धि वृद्धिदायक रहेगी, माता का सुख काफी अच्छा रहेगा, वाहन सुख की प्राप्ति होगी और घूमने फिरने का काफी अच्छा मौका आपको यहाँ पर मिलने वाला रहेगा। पारिवारिक जीवन में आप परिवार के साथ
बहुत अच्छा समय अपने परिवारजनों के साथ गुजारने वाले होंगे, व्यापार भी अच्छा चलेगा, व्यापार में भी पदोन्नति रहेगी, और साथ ही एक चीज़ में विशेष तौर पर कहना चाहूँगा, वाहन की प्राप्ति इस टाइम पर आपको हो सकती है, वाहन प्राप्ति के योग यहाँ पर हमें बनते आपके नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मिथुन राशि के लिए, तो मिथुन राशि वाला आपके तृतीय स्थान में सूर्यदेव विराजमान है, और तृतीय स्थान का जो सूर्य का गोचर है आपकी मेहनत के आपको अच्छे परिणाम प्रदान करने वाला है। आप जो एफर्ट्स कर रहे थे, आप जो मेहनत कर रहे थे, जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि मेहनत पूरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन मुझे परिणाम मेरे मन मुताबिक नहीं मिल रहे, तो वो चीज़ें सब अब अच्छी होगी, आपको आशानुकूल परिणाम मिलेंगे और आपके कार्य सिद्ध होंगे। ये सूर्य का जो गोचर है, से संक्रांति जो आई हुई है, आपके लिए शानदार परिणाम लेकर आने वाली है, आपके हर प्रकार से फायदे देने वाली है। आप अपनी मेहनत को थोड़ा बढ़ा दीजिए, फिर देखिए आपके भाग्योदय वाला समय सूर्यदेव लेकर आने वाले हैं। बात करेंगे यहाँ पर कर्क राशि के लिए, आपके धन भाव में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे और धनेश धन भाव में विराजमान, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, पैसा धन संपत्ति पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, परिवार के लोगों के साथ थोड़ा टाइम एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, परिवार के लोगों के साथ आपको बहुत अच्छे यूँ समझ लीजिए कि घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा, और साथ ही कहीं ना कहीं मांगलिक फंक्शन का आयोजन भी हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वाणी के घर में सूर्यदेव आए हुए और सूर्य एग्रेसिव प्लेनेट है, थोड़ा सा ध्यान रखिए बोलने का, क्योंकि आपकी वाणी के कारण हो सकता है परिवार में लड़े झगड़े हो या के कारण कहीं ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपसेट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको समस्या प्राप्त हो सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कर्क राशि वाला, आपके लिए सूर्यदेव धनेश है तो धन वृद्धिदायक समय रहेगा, लेकिन थोड़ा वाहन दुर्घटना हो सकती है, ध्यान रखें, और कहीं पैसा आप अचानक से ऐसे लगा कर, जैसे कि शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर बड़ा पैसा अर्जित करना चाहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर नुकसान भी आपको हो सकता है। वहीं अगर देखा जाए सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, सिंह राशि वाला आपकी ही राशि में सूर्यदेव विराजमान है और आपकी राशि के स्वामी है, बहुत अच्छी स्थिति है, आपको खुद को मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लोग आपसे पूछ पूछ कर काम करेंगे, और साथ ही कहना चाहूंगा यहाँ पर सूर्यदेव आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का काम करने वाले हैं, आपको एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा, अनुभव आपको यहाँ पर सूर्यदेव किसी न किसी चीज का अच्छे से दिलाएंगे, व्यापार अच्छे से चलने वाला रहेगा, शनि यहाँ पर जस्ट सामने ही विराजमान रहेंगे, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा व्यापार के लिए हल्का छोटा मोटा संघर्ष हो सकता है, लेकिन थोड़ी मेहनत करने पर बड़े फायदे भी मिल सकते हैं, क्योंकि शनि अभी वक्री भी चल रहे हैं। यहाँ पर सूर्यदेव जो विराजमान है आपके लिए कहना चाहूंगा दाम्पत्य जीवन का थोड़ा समय आपको थोड़ा कठिन आ सकता है, दाम्पत्य जीवन में लड़े झगड़े हो सकते हैं, आपके पार्टनर को थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या आपको होती हुई नजर आ सकती है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए, और दैनिक आय स्रोत भी आपका कम होता हुआ आपको नजर आएगा, खर्चे बढ़े हुए रहेंगे। बात करेंगे कन्या राशि के लिए, कन्या राशि वालों आपके लिए देखा जाए सूर्यदेव बारहवें घर में विराजमान रहेंगे और ट्वेल्थ हाउस का स्वामी ट्वेल्थ हाउस में है, तो यहाँ पर एक थोड़ी समस्या है आपके लिए रहेगी कि इस गोचर काल के दौरान खर्चे काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, रोग ऋण शत्रु वृद्धिदायक रहेंगे, और साथ ही कहना चाहूँगा आपको अपने नौकरी क्षेत्र से अपने सर्विस सेक्टर से भी आशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा लगे हुए रहेंगे, इसके लिए आप ध्यान रखें, और किसी वाद विवाद में पड़ने के कारण लड़े झगड़े भी आपके हो सकते हैं, आपका मुँह फट होना आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है, इस चीज के लिए ध्यान रखें, खर्चे ज़्यादा रहेंगे, और आने जाने के लिए या यात्रा योग भी काफ़ी बना हुआ है, पैसा काफ़ी आपका खर्च होने वाला है, इसके लिए आप ध्यान रखें। वहीं अगर बात करी जाए हमारे तुला राशि के लिए, तुला राशि वाला आपके आय स्थान में सूर्य का गोचर है और इनकम सोर्स के घर में सूर्य का विराजमान होना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इनकम सोर्स में सूर्यदेव विराजमान है, इच्छा पूर्ति के घर में विराजमान है, प्रॉफिट और लाभ के घर में विराजमान है, तो इन सभी चीज़ों की वृद्धि करने वाले सूर्यदेव आपको फायदेमंद रहेंगे। यहाँ पर पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान पर जा रही है, तो आपके संतान से रिलेटेड भी अगर आप कोई परेशानियां प्राप्त करते हैं, संतान प्राप्तियों में विलंब हो रहा था, ये सारी चीज़ें सही होती हुई नजर आएगी, और सूर्य का गोचर काल आपको शानदार फायदे प्रदान करने वाला रहेगा, विद्यार्थी भाई बहनों के लिए भी अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो लव लाइफ से जुड़े हुए उनके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा, सूर्य खटपट आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी मेरिट लाइफ में, आपके लव लाइफ में, लव अफेयर्स में देने वाले हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन आपका हो सकता है थोड़ा खटपट वाला रहे, लेकिन अगर आप शुक्र को कर लेते तो आपके लिए फायदेमंद स्थिति आपको बनती हुई नजर आएगी। पंचम घर पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होने की वजह से एक चीज और मैं विशेष तौर पर आपसे कहना चाहूंगा, यहां पर वो लोग जो किसी स्किल डेवलपमेंट में कार्य कर रहे हैं या स्किल डेवलप करने के विचार कर रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा आप इस काम को करिए, अपने स्किल को डेवलप करिए, आपकी इनकम थोड़ी सूर्य बहुत बढ़ाने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि के लिए बात करी जाए, वृश्चिक राशि वालों आपके कर्मस्थान में सूर्यदेव का गोचर होगा, कार्यक्षेत्र की हर परेशानी दूर होती नजर आएगी, कार्यक्षेत्र का स्वामी कार्यक्षेत्र में बैठा हुआ है, काम की सब परेशानियां दूर होगी, जो काम आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था वो दूर हो जाएगा, और माता भूमि मकान वाहन इन सब का सुख आपके लिए शानदार रहेगा, वाहन सुख
की प्राप्तियां हो सकती है, आपको सुख समृद्धि दायक वाला है समय रहेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, परिवार में लोगों के साथ घुलना मिलना अच्छा रहेगा और साथ ही परिवार के लोगों के साथ आपको कहीं ना कहीं अच्छा टाइम एक्सपेंस करने का मौका मिलने वाला है। ये समय काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा, उम्दा समय है, इस समय का आनंद लीजिए, रोस्ट करिए और जीवन में अच्छी अनुभूति प्राप्त करिए। वहीं अगर बात करी जाए धनुराशि के लिए कहना चाहूँगा, आपके भाग्य स्थान में सूर्यदेव का गोचर है, भाग्य स्थान का सूर्य का यह गोचर आपके भाग्योन्नतिदायक समय आपको लाकर देने वाला है। थोड़ी मेहनत को बढ़ा दीजिए फिर देखिए कैसे आपके भाग्योन्नति होती है। पिता के साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहने वाले रहेंगे, मेहनत के पूरे परिणाम आपको यहाँ पर मिलेंगे और धार्मिक यात्राएं भी होगी, पारिवारिक जीवन भी अच्छा चलेगा और साथ ही कहना चाहूँगा छोटी मेहनत में बड़े फायदे आपको मिलते नजर आएंगे। आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर सूर्यदेव इस गोचर काल के दौरान करने वाले हैं। गोचर काल काफ़ी अच्छा आया हुआ है, थोड़ा सा आप अपनी मेहनत करिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, आपके लिए शानदार रहेगा धनुराशि वालों। एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, सूर्य आपके भाग्यस्थान में है, मेहनत के पूरे घर को भी देख रहे हो, छोटे भाई बहनों के घर को भी देख रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं शायद आपको लगता होगा कि मेहनत के परिणाम नहीं मिल पा रहे, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, छोटे भाई बहनों को भी अपनी मेहनत में इन्वॉल्व कर दीजिए, या आप जो भी व्यापार करते हैं जो भी करते हैं उसमें अपने छोटे भाई बहनों की थोड़ी राय मशवरा लीजिए, फिर देखिए आपको जीवन में कैसे तरक्की प्राप्त होती है। बात करेंगे मकर राशि के लिए, मकर राशि अष्टम स्थान में सूर्य का गोचर है और अष्टम स्थान होता है बाधा का घर, मृत्यु का घर। अब यहाँ पर सूर्य यहाँ पर विराजमान है तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, सूर्य यहाँ पर विराजमान होकर आपके दुर्घटना का योग तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन धन के नुकसान का योग भी आपके लिए बन रहा है, ध्यान रखें। धन कहीं ना कहीं आपका खर्च हो सकता है भारी, आपकी वाणी के कारण आपको परेशानियां देखने को मिलेगी और पारिवारिक जीवन में भी दुख का समय रह सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अष्टम स्थान में सूर्य है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा, आयु पर भी आपके हानि होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य की हानि भी आपको मिलती नजर आएगी। कहीं आप ऐसा विचार करेंगे कि मैं इस जगह इतना पैसा लगा दूंगा, अब मेरा पैसा डबल हो जाएगा, मेरे पैसों को इतना रिटर्न मिल जाएगा, या आगे आने वाले सालों में मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। आप इस तरीके से जो भी विचार करेंगे वो आपको फायदा नहीं देगा, नुकसान देने वाला रहेगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा इस सूर्य के गोचर को 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक का ये गोचर रहेगा तो ये गुजर जाने दीजिए, फिर विचार करिए आप क्या करना चाहते हैं उसके बाद। अभी ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा ध्यान रखें मकर राशि वालों, ये आपको परेशानियाँ प्रदान कर सकता है। वही बात करेंगे कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि वालों आपके सप्तम स्थान में सूर्यदेव का गोचर रहेगा और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सूर्य सप्तम स्थान में आए हुए दाम्पत्य जीवन का सुख जो है उसे कम करते नजर आएंगे, स्वास्थ्य की हानि पार्टनर को दे देंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर और आपके बीच में प्रेम की कमी आपको नजर आएगी, प्रेम आपके दोनों के बीच में कम रहेगा, इसकी वजह से आप समस्या क्रिएट होती हुई नज़र प्राप्त करेंगे। और साथ ही एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अब ये समझ लीजिए कि बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, दोनों के बीच में या कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है, उसके साथ आपको आपकी ये समझिए वैचारिक मतभेदता काफ़ी देखने को मिलेगी। आप जिस विचार करेंगे या जो भी बात उनको कहेंगे उस बात में कोई भी एग्री नहीं होगा, या हो सकता है वो जो बात कहें आप उसमें एग्री नहीं होंगे, इस तरीके की समस्या आप दोनों के बीच में रहने वाली है। और यहाँ पर ये समस्या आपके दाम्पत्य जीवन, आपके पारिवारिक जीवन, आपके सार्वजनिक जीवन, हर जीवन में आपको समस्याएं क्रिएट करेगी, क्योंकि सूर्य और शनि की पूर्ण दृष्टिगत स्थितियां बनी हुई है और दोनों अपनी राशि में विराजमान है। दोनों जो है, एक तो आप और आपके सामने वाला व्यक्ति, दोनों एक तरीके से अपनी बात पर अड़िग रहेंगे और यहाँ पर झुकने वाला कोई भी नहीं, जिस वजह से समस्याएं क्रिएट होगी। ये गोचर थोड़ा संघर्षमय रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सूर्य का यह गोचर आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा ही रहने वाला है, लेकिन व्यापार की कहीं ना कहीं स्थितियाँ बढ़ सकती है, परंतु व्यापार में भी नुकसान के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। छोटा मोटा पारिवारिक जीवन अच्छा रह सकता है, कहीं ना कहीं मांगलिक फंक्शन में आना जाना आपका लगा रह सकता है, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के परिवार के लोगों के बीच में आपको कहीं ना कहीं जाना आना पड़ सकता है, काफ़ी अच्छा समय भी रह सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि सूर्य शनि का जो ये संबंध है कहीं ना कहीं परेशानियाँ भी क्रिएट करवाएगा। वहीं अगर बात करी जाए मीन राशि के लिए, तो मीन राशि वाला आपके छठे घर में सूर्य का गोचर और सिक्स्थ हाउस का स्वामी सिक्स्थ हाउस में है, और राशि का स्वामी, मीन राशि का स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और आपके तृतीय स्थान में विराजमान है, ये स्थिति आपके लिए थोड़ी अच्छी आपके लिए नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा, उन लोगों के जो नौकरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, आप अपने सर्विस सेक्टर और नौकरी सेक्टर में अपने क्लाइंट्स को
बहुत अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड कर पाएंगे और आप उनको अपने बॉस को भी आपको तरीके से ये समझ लीजिए कि मना भी पाएंगे। अपने काम के प्रति आपकी जो रुचि है या अपने काम के प्रति जो आपकी सजगता है उसके कारण आपकी बॉस जो है बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ करने वाले, हो सकता है आपको प्रमोशन भी दे दे या हो सकता है आपको सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिल जाए और आपको शानदार फायदे भी प्राप्त हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा हद तक बोनस प्राप्त करने के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। 6th हाउस एक्टिव है, ध्यान रखें। और जो लोग ये समझ लीजिए कि व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए उनके लिए भी कहना चाहूँगा, आप अगर कोई कर्ज वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, लोन सैंक्शन करवाना चाहते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर आपको फायदे प्रदान कर सकती है। विदेश की यात्राएं करने का मौका मिलेगा, घूमने फिरने का काफी फायदा रहेगा। और यहाँ पर कहना चाहूंगा रोग कुछ बड़े हुए रह सकते हैं, हेल्थ इश्यू क्रिएट हो सकती है, ध्यान रखें। स्वास्थ्य की समस्या आपको बड़ी परेशान कर सकती है, ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। और एक चीज कहना चाहूंगा, खर्चे आपके लगे हुए रहेंगे मीन राशि वालों, खर्चों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, आपके एक्सपेंसेस चलते रहेंगे जिसकी वजह से आपको समस्या क्रिएट होती रहेगी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर रातों की नींद भी आपकी खराब हो सकती है, रातों की नींद आपको निकालना मुश्किल हो सकता है, इसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सूर्यदेव का सिंह राशि में गोचर यानी कि सिंह संक्रांति 12 राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी। एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, सिंह संक्रांति जो आई हुई है यहाँ पर सूर्यदेव जो है अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजमान है और शनिदेव जो है वो अपनी स्वराशि में विराजमान है और ये दोनों ग्रह आमने सामने हैं। कुंभ राशि में शनि है और सिंह राशि में जो है वो सूर्यदेव है। अब दोनों ग्रह आमने सामने एक्सेप्ट पर बैठे हुए हैं, दोनों सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर ये गोचरी स्थितियाँ थोड़ी संघर्षमय आपके लिए रहेगी, आपको उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। 12 राशि वाले जातकों के लिए मैंने बता दिया है कि कैसा रहेगा समय, कैसा क्या रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इस गोचर काल के दौरान ये जो सूर्य और शनि का जो मेल है प्रत्येक राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा समय लेकर आएगा। कहीं ना कहीं आपको जो चीजें चल रही थी उसमें स्टकनेस देखने को मिलेगी या चलती हुई चीजें बंद होती हुई नजर आएगी, थोड़ा संघर्ष बढ़ जाएगा या फिर हो सकता है जो आपके काम रुके हुए तो वो अचानक से शुरू भी हो सकते हैं। सारी चीजें आपको थोड़ी सी मतलब ये समझ लीजिए कि आपको बिलीव नहीं होगा कि ये काम भी इस तरीके से हो सकते हैं क्या, ये स्थितियां ऐसी निर्मित होती हुई आपको नजर आएगी। सूर्य शनि जो एक्सेप्ट आमने सामने का बना हुआ है ये कहीं ना कहीं आपके रुके हुए काम भी बना सकता है और बनते हुए काम भी रुका देगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। संघर्ष बढ़ा देगा सूर्य शनि का योग। और यहां पर एक विशेष मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिनकी कुंडली में सूर्य और शनि का योग बना हुआ है, जिनकी कुंडली में सूर्य शनि आमने सामने बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा आपके लिए जो समय है गेम चेंजर रहने वाला है। जिनकी भी कुंडली में लग्न कुंडली में सूर्य और शनि आमने सामने बैठे हुए हैं, वो चीज ये ध्यान सुन लीजिएगा कि आपके लिए ये जो समय आया हुआ है, आपके लिए जो गोचर काल का समय रहेगा 16 अगस्त से 15 सितंबर तक का जो है समय रहेगा, आपके लिए गेम चेंजर रहने वाला है। आपके जीवन में आपको बहुत जबरदस्त या तो फायदा होगा या बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्योंकि कुंडली डेफिनेट करेगी ना कि किस तरीके से आपको बेनिफिट होगा, किस तरीके से नुकसान होगा। लेकिन अगर सूर्य शनि आमने सामने बैठे हुए हैं तो ये गेम चेंजिंग आपका समय रहेगा या गोचर काल आपके लिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि सूर्यदेव का सिंह राशि में गोचर यानी कि सिंह संक्रांति 12 राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नाथ जी बाकी। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।